ये है नूबिया का नया रेड मैजिक 7। हमने इसके छोटा भाई भी ट्राई करा था और उसमें भी परफॉर्मेंस में काफी नेक्स्ट लेवल फीचर्स थे, बट ये बड़ा भाई एक पूरी ग्लास और मेटल वाली बिल्ड है, जब आर पार देख सकते हो स्मार्टफोन की, और जो पूरा साइड है वो पूरा मेटल की है, तो अच्छा खासा एक भारी स्मार्टफोन बन जाता है हाथ में। यहाँ पे ऊपर की साइड पे यहाँ पे एक ट्रिगर है, यहाँ पे एक ट्रिगर है जिसको आप एक्चुअली प्रेस करके चीजें कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह हवा निकल रही है, ऊपर की साइड एक हेडफोन जाके, ये बहुत अच्छा करा देगी, मतलब वायरलेस ईयरफोन ना गेम खेलते टाइम दर्द देते हैं। एक नीचे की तरफ सिमटर है, यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है यहाँ से भी हवा ही निकलेगी, पर है एक्चुअल स्पीकर है। और लेफ्ट साइड की तरफ यहाँ पे भी पंखे की हवा, यहाँ पे वॉल्यूम बटन, ये आपको लग रहा है क्या ये म्यूट करने का, नहीं ये तो सब्सक्राइब बटन है। Exactly, दिल की बात पहचान गए भाई, मजाक की बात साइड में ये एक्चुअली गेमिंग बटन है, इसको ऑन करो और गेम मोड चालू हो जाता है, इसको ऐसे करेंगे। ओहो भाई ये क्या हो रहा है, अब जैसे BGMI और जेंशन इंपैक्ट खेल रहा है तो दिखा रहा है। ओह फैन की आवाज इससे आ रही थी, बहुत तेज है। देखो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 100% असली नहीं है, ये वाला पार्ट जैसे दिख रहा है ये चिप अंदर एक्चुअल ऐसी नहीं होती, इसके अंदर हल्का सा एक स्टिकर लगा रखा है, बट सही है एक डिफरेंट लुक है। एक चीज और नोटिस करोगे आप बैक साइड में, इसके अंदर एक पूरा पंखा है, बट जैसे मैं ऑन करता हूं पंखा वापस चलने लगता है, एक अच्छी खासी आवाज आती है, वो इसलिए क्योंकि ये फैन भी भाई 20,000 RPM पे घूम रहा है। बट मैं एक सेकंड में बता दूं सारी कूलिंग क्यों करी जा रही है, ये सारी कूलिंग इसलिए करी जा रही है क्योंकि इसमें वर्ल्ड का फास्टेस्ट एंड्रॉइड प्रोसेसर 8 Gen 1 कुछ रह गया गुरिल्ला भाई। इसका जो डिस्प्ले है इसमें वर्ल्ड का हाईएस्ट रिफ्रेश रेट है 165 Hz, एक स्मार्टफोन में होना काफी बड़ी बात है, और ये फील भी होता है बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, 90 Hz भी स्मूथ लगता है, उससे ऑलमोस्ट डबल तेज है। इसमें चार ऑप्शंस है 60 Hz, 90 Hz, 120, 165, इन सब पे चला सकते हैं। 90 से 120 में काफी बड़ा एक डिफरेंस देखने को मिलता है, 120 से 160 में हल्का सा कम है, बट मेरे को पर्सनली फील हो जाता है थोड़ी शो ऑफ वाली चीज, वर्ल्ड का भाई बेस्ट क्वालिटी भी अच्छी है। इसमें टच सैम्पलिंग रेट भी है वो भी 720 Hz का है, और नॉर्मल आप फोन को यूज कर रहे हो तो इतना नहीं पता चलेगा, बट अगर आप गेम्स खेल रहे हो अपने स्मार्टफोन के ऊपर तो ये छोटे छोटे डिफरेंस 120 से 160 Hz, 720 Hz का ये सारी चीजें पता चलती है। हम खेलेंगे भाई एकदम जबरदस्त गेमिंग करेंगे, उससे पहले देखो दोस्तों होता क्या है कि ये कंपनियों को ऐसा लगता है कि जो बंदा गेम खेलता हो कैमरा नहीं चला वो सेल्फी ले ही नहीं सकता, क्यों दिस इज रॉन्ग। बैक साइड में जो प्राइमरी कैमरा है वो एक 64 MP का कैमरा है, 8 MP अल्ट्रा वाइड और 2 MP मैक्रो, बेसिकली दो लोग हैं बस इमोशनल सपोर्ट थोड़ा दे रहे हैं, और हम चेक करते हैं क्या माल मसाल है भाई। आपको एंड्रॉइड का देखने के लिए मिल जाता है, रेड मैजिक का वॉइस देखने के लिए मिल जाता है, 12 GB से रैम बढ़ानी है तो 6 GB और 18 GB रैम तक आप इंक्रीज कर सकते हो, मतलब अपनी स्टोरेज को रैम की तरह यूज कर सकते हो। बाकी सारी चीजें सही है, बट UI यार क्या सर्कल वर्कल बना देते हैं यार, अजीब सा डिजाइन कर देते हैं। ऐसे 15 से 17 मिनट में इसलिए भी चार्ज जाता है क्योंकि 4500 mAh है, 4500 mAh बैटरी के हिसाब से काफी एक बड़ा और बल्कि स्मार्टफोन है। ओवरऑल भाई गेमर लोगों के लिए डेफिनेटली काफी एक्साइटिंग फोन है, इससे बेटर परफॉर्मेंस वाले गेमिंग स्मार्टफोन आपको शायद ना मिले मार्केट में इस टाइम पे, बट इससे काफी बेटर एक्सपीरियंस वाले गेमिंग स्मार्टफोन आपको आराम से मिल जाएंगे। बट अगर आपको एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन के अंदर, बट डेफिनेटली काफी एक इंटरेस्टिंग डिवाइस है, बस इंडिया में भी आया नहीं, अभी हमने बाहर से इंपोर्ट करा है, होपफुली आपको इंटरेस्टिंग लगा, हमको काफी ज्यादा मजा आया इस प्रोडक्ट में।